यार बिजली के लिए यूपीएस से सोलर खुद लगवाए, पानी चाहिए तो टैंकर भी खुद लगवाए, बच्चों को तालीम दिलवानी हो ना तो भी प्राइवेट स्कूलों से दिलवाए, इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों से करवाए, पैसे देकर घरों और मोहल्लों से कचरे भी खुद उठवाएं, गटर भी बंद हो जाए ना तो पैसे देके खुलवाने पड़ते हैं, चौकीदार रखे हो तो खुद रखे, पैसे दें प्राइवेट कंपनियों को, सरकारी काम निकलवाने हो तो काम से ज्यादा रिश्वत देनी पड़ती है, तो हुकूमत टैक्स इस बात का ले रही है भाई, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्या करें, मर जाएं, भाग जाएं, इस मुल्क से भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बताएं, 30-40 हजार कमाने वाला यहां 1-2 लाख का खर्चा है बुनियादी जिंदगी गुजारने का इस मुल्क के अंदर, कि वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, डकैतियां मारेगा, रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, और सस्ती है तो जान, सिर्फ जान सस्ती है, जो चलते फिरते डाकू ले जाते हैं, अबे नया काम शुरू हुआ है शहर के अंदर, रात चलते लड़कियों को हरासा किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, घरों पे एक तो ये बात समझ नहीं आती, सारे अमीर लोग यार एक बात बताओ, ये अपने घर में छोटे मुलाजिम रखते हैं, कोई जज की बीवी को, किसकी बीवी को, पुलिस वाले की बीवी, और उनको जान से मार देते हैं, मुलाजिमों पर रोज तशद्दुद हो रहा है, 10-10 हजार रुपए देते हैं और उनको उनकी जान ले लेते हैं, हम हैं कौन, जानवर हैं कौन यार, हमसे जानवर ही बेहतर है, सस्ती रोटी का नारा लगा के जो जो आए ना उन्होंने जो मुंह में था ना निवाला वो भी छीन लिया, इस दिन के लिए बना था मेरा मुल्क, स्ट्रीट क्राइम यहां, बत्ताखोरी यहां, महंगा यहां, जालसाजी यहां, खून इज यहां, इज्जत यहां महफूज नहीं, रिश्वत लेके करप्शन यहां, फेवरेटिज्म यहां हो रही है, अरे भाई यहां कमाए कैसे, बच्चों को खिलाए कैसे, आप अपने हक के लिए कुछ कह दो तो मालिक नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है, मकान मालिक घर खाली कराने की धमकी दे रहा है, बिजली वालों का बिल लेट हो जाए तो वो बिजली का बिल काटने की धमकियां दे रहे हैं, भाई एक ही दफा मार दो पाकिस्तान के वास्ते, रोज रोज टॉर्चर नहीं करो सवाम के साथ, यार ये कौन सा इंसाफ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, के 25 करोड़ लोग मुश्किल में हैं, रो रहे हैं और 25 हजार लोग मजे कर रहे हैं, उनका पैसा बढ़ा जा रहा है और 25 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, और अब बचा भी क्या है, अब किस लिए चुप बैठे हैं लोग, अब किस लिए मुंह बंद करके बैठे, बचा क्या बताएं, क्या कर लेंगे, जान ले लेंगे, वो तो वैसे ही महफूज नहीं है शहर के अंदर, इमदाद आई गायब हो गई, टैक्स देते हम करोड़ों लाखों रुपए अरबों रुपए कहां जाता है, तोहफे ताइफ मिलते हैं गायब हो जाते हैं, 1 रुपया भी इन सब चीजों में से अवाम पे नहीं लगता, अवाम कीड़े मकोड़े है ये समझकर अशराफिया रोंदती है, खुद बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन लोगों पे करप्शन के केसेस हैं खरबों रुपए के, उनके बच्चे दुबई और अमेरिका के अंदर अरबों रुपए के बिजनेसेस कर रहे हैं, कोई रेंट कार का बिजनेस कर रहा है, किसी ने जहाज खरीदे हुए हैं, किसी के पास प्रॉपर्टीज हैं, किसी का याच है, यहां जो बच्चा है जो काम करने वाला है मेरिट के ऊपर है वो धक्के खा रहा है, वो फूड पांडा में मोटरसाइकिल चला रहा है, वो बाइकें चला रहा है, नहीं जो अगर जिसकी गैरत ही गवारा नहीं करी वो छोटी छोटी 25-25-30 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ नहीं हुआ ना तो निजाम बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा, और उसके बाद एक बात याद रखना कि अगर ये निजाम कोलैप्स कर गया ना तो जो हमारे हुक्मरान है ना वो भी नहीं बचेंगे।